हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट एरे सॉर्टिंग। एरे सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मान लो आप जॉब करते हैं कंपनी में, आपके पास 2-3 हजार एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसको आप हैंडल करते हैं। सारे का सारा डाटा आपने हैंडल करना है एम्प्लॉय का, तो आपने यहाँ पे लिस्ट बना ली। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी वाई है, मान लो यहाँ पे वाई की जगह राहुल है, ठीक है, उसका मुझे डाटा एक्सेस करना है। बॉस ने बोला है कि मुझे राहुल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, तो मैं क्या यहाँ पर 2-3 हजार एम्प्लॉय की लिस्ट को फाइंड करने बैठ जाऊंगी? अकेले अकेले को देखूंगी कहाँ पर मैंने वाई की वैल्यू स्टोर की या कहाँ पर मैंने राहुल का डाटा रखा हुआ है? उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम अपनी सारी की सारी लिस्ट सॉर्ट करके रखें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करें, देन हमें कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। बिल्कुल जैसे हमारी डिक्शनरी होती है, बार बार मुझे वाई की रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगी वाई वाई वाले अल्फाबेट में, तो वहां से मैं चेक कर लूंगी कि वाई में मेरे पास नेक्स्ट कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है। ऐसे मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी जिसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग हम करते कैसे हैं? जहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल नाम होगा डॉट सॉर्ट लिखो, बस सॉर्टिंग हो गई। इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो एम्प को, यहां से करो रिफ्रेश। ये देखो सॉर्टिंग होगी AEGY। अब हम इसको कर देते हैं जेड, रिफ्रेश करो। जो जो भी यहाँ से ए वाले अल्फाबेट होंगे वो पहले आ जाएंगे, जो जेट वाले हैं वो लास्ट में चले जाएंगे। मतलब ए अल्फाबेटिकली ये सारी की सारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। जैसे जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे, मान लो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ऐसे कुछ नाम है, हमने ऐड कर दिया, तो इसको करो रिफ्रेश। यहाँ पर प्रॉब्लम है सिंटैक्स एरर, जे हो गया और यहाँ से हो गया डबल कोर्स जे वाला। अब करो रिफ्रेश, तो रमन कहाँ चले गया? वाई से पहले जी के बाद, मतलब जहां पर भी इसकी पोजीशन होगी वहां पर जाके हमारा डाटा हो जाएगा स्टोर। अब आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, अल्फाबेटिकली करना है, लेकिन ए वाले बाद में आए और जेड वाले सारे के सारे पहले आ जाए। उसके लिए बस लिखो एम्प डॉट रिवर्स, तो जेट वाले सारे पहले शो हो जाएंगे, तो जो भी ए से लेके आएंगे, ए से स्टार्ट होंगे वो एंड में आएंगे, उसके बाद ऐसे रिवर्स में चलते रहेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको बहुत ही इजी है अल्फाबेट को सॉर्ट करना। अब अगर नंबर की बात करें, मैंने नंबर सीरीज यहाँ पर ऐड कर दी, कोई जे रही नंबर सीरीज, इसको हम सेम मेथड लगा के सॉर्ट करते हैं 1, 2, 5, 8। यहाँ पे हो गया सॉर्ट 1, 2, 5, 8। अब मैं जहाँ पर लिख रही हूँ, जहाँ पर लिख देते हैं 2, 25, इसको करो रिफ्रेश। 25 कहाँ आ गया? इधर, लेकिन सबसे बड़ा 25 है, यहाँ पर तो 8 आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था लास्ट में। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ पहले वाला नंबर देखा, इसने देखा कि इस पर 2 लिखा हुआ है, तो मतलब उसने 2 के साथ लिख दिया, 5 वाला देखा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक और ऐड कर रही हूँ 35, रिफ्रेश करो। 35 कहाँ पे आया? जहाँ पे उसने देखा कि 3 आता है 2 के बाद, तो उसने यहाँ पर लिख दिया 35। उसने पीछे वाला नंबर देखा ही नहीं कि ये तो 35 बनता है, उसको ये लगा कि ये सिर्फ 3 है। यही प्रॉब्लम आई हमारे पास नंबर को सॉर्ट करने के लिए। तो इसको, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एम्प डॉट सॉर्ट। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन को 2 पैरामीटर देने हैं हमने, ए बी। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे रिटर्न ए माइनस बी, बस काम खत्म। उसके बाद हम इसको शो करवा देते हैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखो एम्प, रिफ्रेश। अब देखो सारी के सारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई सॉर्टिंग। अब जहाँ पे मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी, अब ये क्या करेगा? यहाँ पर ए बी क्या है, एक जे वाली वैल्यू है, बी है जे वाली 1, ये 2 वैल्यू उठाता रहेगा, दोनों को माइनस करता रहेगा,
जो भी आंसर आएगा उसको चेक करेगा कि वो आंसर इससे छोटा है कि बड़ा है, इससे छोटा है कि बड़ा है, बस ऐसे ही चेक करके वो जो भी आंसर आएगा अगर वो छोटा है तो वहां पर प्लेस कर देगा जो इस नंबर से, अगर छोटा हुआ तो इसके सामने प्लेस करेगा, ठीक है, तो अगर नंबर बड़ा हुआ तो ये वाला छोटा है तो इसको यहाँ पर ही रहने देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक लगाया फॉर्मूला। अब मैं जहां पर कुछ भी ऐड करती जाऊंगी, 8 ऐड कर दिया, -0.0 कुछ ऐड कर देते हैं, रिफ्रेश करो, ये देखो माइनस वाला इधर आ गया, उसके बाद 1, 2, 8, ये सब कुछ हमारा बिल्कुल परफेक्ट जहां से हो गया मैनेज। अब आप चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो आपके बॉस ने आपको बोला है कि जिस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा सैलरी है उसको उसका डाटा मुझे निकाल के दो, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको नाम तो पता ही नहीं बंदे का कि किसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, 2-3 हजार बंदों में से हमने एक बंदा यहाँ से निकालना है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, ARR लिख देते हैं, इसको एक एट्रीब्यूट पास करना है, एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सैलरी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके बीच हम ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये अब नहीं लिखेंगे, ये वाली, इसके बीच हम यहाँ से एक कोड ऐड करेंगे, जहाँ रिटर्न, जहाँ पर आएगा रिटर्न के साथ मैथ डॉट मैक्स, ये फॉर्मूला है, मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई, ब्रैकेट में आएगा नल वैल्यू, उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर एस ए एट्रीब्यूट लिया था वो आएगा, ये देखो ये वाला, एंड हम इसको प्रिंट करा देते हैं, जहां पे इसके नीचे प्रिंट कराएंगे हम इस लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि सारी के सारे आउटपुट हम दूसरी तरह नहीं शो करवा सकते, जहां पर हमने एक एट्रीब्यूट लिया है तो उसको इसके साथ हमें प्रिंट कराना बहुत ईजी रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाली लाइन इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आईडी लिखी एच इनर HTML, और जहां पर मैं लिख दूंगी जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया था ARR, और साथ में जो हमने यहाँ पे एक अपना वेरिएबल बनाया था। अब देखो सबसे पहले हमने एक आईडी ली है, तो एक आईडी भी हमें इसको देनी पड़ेगी, मैं चाहती हूँ यहाँ पर मुझे आउटपुट मिले H1 में, इसको पहले रिफ्रेश करते हैं, 35 आया, और जहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 35। अब यहाँ से हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, इसको करो रही है यहाँ से रिफ्रेश, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी वाली, जी आ गई। अगर हम सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, इसको हटाओ, लिस्ट हमारी खाली है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन आपको बता देगा कि वहां पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये है हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का। आप ऐसा ना सोचा करो कि जहां से हमने नंबर फाइंड किया ये आखिर क्या बात हुई, नंबर क्यों फाइंड करना है हमने, ये ऐसा यूज होता है हमारी कंपनीज में, जब भी हम जॉब पे जाते हैं तो वहां पर ये छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप सैलरी फाइंड कर सकते हैं किसी इम्प्लॉय की। तो ये था हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला ये वाला। उसके बाद आप नेक्स्ट और क्या क्या कर सकते हैं, एक मैं एग्जाम्पल क्रिएट करने जा रही हूँ। अब देखो जहां पर मैं एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रही हूँ, 2 पर्सन की ऐड करते हैं जैसे हम कंपनी में काम कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक राहुल नाम का मेरे पास एम्प्लॉय है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको एंटर करके इसके बीच कर्ली ब्रेस में, क्योंकि मल्टीपल हमने एम्प्लॉय ऐड करनी है, मल्टीपल उसके एट्रीब्यूट लेने हैं, तो हम ऐसे ही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया उसका नेम, नेम होगा उसका राहुल, उसके बाद उसकी एक आईडी होगी, यहाँ पर कॉमा डाल के एक आईडी होगी उसकी, आईडी होगी उसकी मान लो जी वाली, उसके बाद एक उसका एड्रेस होगा, एड्रेस एड्रेस कुछ भी लिख दो, इंडिया लिख दो, ठीक है, ये एक पर्सन हो गया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा डालो, मैं यहाँ से 3 पर्सन ऐड कर देती हूँ, इसको कॉपी करके और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट,
पेस्ट, इसको हम चेंज कर देते हैं, राहुल वरुण लिख दो, यहाँ पर रिया लिख देते हैं, रिया। उसके बाद इसको भी चेंज कर देते हैं, इसकी आईडी है जे, एड्रेस रहने दो, एड्रेस सेम है, चलो एड्रेस चेंज कर देते हैं, इंडिया पुणे पंजाब, यहां पर लिख दो बेंगलोर, रिफ्रेश। अब देखो जो मैंने आपको मेथड बताया था सॉर्टिंग का, वो सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जो सिंपल सा मेथड था कि मुझे एक एम्प नाम की लिस्ट है उसको मैंने सॉर्ट करना है, बस ये वाला हम मेथड अप्लाई करेंगे। इसको हम रिफ्रेश जहाँ से प्रिंट करा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प। अब आप यही सोच रहे होंगे हमने इसको सॉर्ट करना है, तो हम बस सिंपल सा मेथड ये वाला अप्लाई करेंगे कि एम्प नाम की एक लिस्ट है इसको हमें सॉर्ट करके दे दो, यहाँ से करो रिफ्रेश, तो आपके पास ये आएगा। आउटपुट तो आई नहीं, जे उसने कुछ भी ऐसे ही दे दिया, मतलब उसको वैल्यू तो कोई मिली नहीं, यहाँ पर उसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो उसने आपको नल वैल्यू यहाँ से खाली वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये आपके पास कंपनी में ऐसा डाटा होता है, ठीक है, उसका सारे का सारे एक एम्प्लॉय का यहाँ पर आ गया, सारे का सारी इंफॉर्मेशन, एक एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, इसकी आईडी क्या है, उसका एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर एक पर्सन का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर सेकेंड पर्सन आएगा, मेन पर्पज हमारा यहाँ पर है सॉर्टिंग का, तो इसको हम सॉर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये सब कुछ हटा देते हैं, जो आपने लिस्ट क्रिएट की है, और जहां पर हम एक पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे। मान लो मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, बस क्रिएट करके छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है। अब जहां पर जो फंक्शन बनाना है वो इस नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ इसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, इस नाम का नहीं होना चाहिए, हम डिफरेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एम्प टू नाम का, मैंने जहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर हम लिखेंगे कोडिंग, क्या जो भी मेरा एम्प नाम का वेरिएबल है उसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है, इसको इधर ले आओ, जो भी एम्प नाम का वेरिएबल है उसमें लिस्ट पड़ी हुई है उसको सॉर्ट करना है, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट होगा, इसको हम दो पैरामीटर दे देंगे, दो पैरामीटर दिए हमने जैसे मैंने पहले किया था, और यहाँ पर इसके पीछे आएगा सेमी कॉलन। इसके अंदर हम दो पैरामीटर क्यों लिए, सेम वही वाली बात है कि दो वैल्यूज को ये कंपेयर करेगा सॉर्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एक्स, एक वेरिएबल लिया उसमें मैंने लिख दिया ए डॉट, क्या है हमारे पास नेम, हम नाम के साथ सॉर्टिंग कर रहे हैं, आप जहाँ तो नाम के साथ कर सकते हैं, या आईडी के साथ, या फिर एड्रेस, कोई भी एक आपने यहाँ से फील्ड ले लेनी है, या तो नाम उठा लो, जहाँ पर आईडी, या फिर एड्रेस, जो भी फील्ड लेंगे आपने वो वाला जहाँ पे लिख देना है। मैंने नाम के साथ करनी है तो मैंने लिखेगा ए डॉट नेम, ठीक है डॉट, और जहाँ पर लिखेंगे टू, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, टू लोअर केस। अब ये क्या चीज है, मैंने बताया था स्ट्रिंग भी, पहले इसको लिख देते हैं, दो बार लिख देते हैं, लेट वाई, यहाँ पर भी सेम आएगा, और जहां पर आएगा बी। अब ये क्या चीज है, जब भी हम यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारी जावा स्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, वो जो भी शॉर्ट एक कैपिटल और लोअर केस हमारे पास अल्फाबेट होते हैं वो दोनों को डिफरेंट तरीके से लेता है, लेकिन जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है हम कहीं पर पी को छोटा लिख दें, कहीं पर पी को यहाँ से कैपिटल में लिख दें, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसको लोअर केस लिख देते हैं, कि इसके लिए बेशक वो लोअर केस में हो पी, बेशक वो ऐसे लिखा हो, बेशक वो ऐसे लिखा हो, इसके लिए ये प्रिया ही होना चाहिए, जी ऐसा ना माने कि कैपिटल वाला प्रिया अलग है और स्मॉल पी वाला प्रिया अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोनों ही सेम होने चाहिए, इसीलिए हम जहां से कन्वर्ट करते हैं कि ये इसको इस चीज में कन्वर्ट कर दे,
उसको बाद उसके बाद हम यहाँ से एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ जो एक्स हमने लिया था, एक्स हमारा छोटा है वाई से, ठीक है, देन हम एक वैल्यू रिटर्न कर दे, रिटर्न क्या होगा, -1। उसके बाद इफ एक्स बड़ा है वाई से फिर भी रिटर्न कर दे, रिटर्न क्या होगा, -1, सॉरी 1। और अगर दोनों ही इक्वल हैं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, दोनों इक्वल हैं, देन हमें रिटर्न करें वैल्यू 0। अब ये तीन हैं चीजें हमने जहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर हमारी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ छोटी है तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो जहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमें बाद में प्रिंट कर देगा, मतलब बाद में नेक्स्ट वैल्यू के साथ, पहले हमें जो भी प्रिंट मिलेगा वो हमें छोटी वैल्यू ही मिलेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है। अब देखो इसको हम शो कैसे कराएंगे, मैंने जहाँ पे एक डिस्प्ले लिया था ये वाला एक कंस्ट्रक्टर बोलो इसको, इसको हम उठा के जहां पर ये जो ब्रैकेट है इसके खत्म हुई इसके ऊपर एक बार और लिख देंगे, क्यों, यहां से हम देखते हैं इसको साथ में रिफ्रेश भी करते रहते हैं, अभी कुछ नहीं आया, अब हम इसकी आउटपुट प्रिंट कराएंगे। जहां पे आउटपुट कैसे प्रिंट करानी है, इसको हम थोड़ा सा यहां से करेंगे चेंज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, अब आईडी जहां से हम ले लेते हैं एच, मैंने यहाँ पर H1 को आईडी दी थी, H1 में हमने आउटपुट शो करानी है, ये देखो H, क्योंकि हर बार हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट के साथ नहीं कराते, उसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल सी आउटपुट आती है, हम साथ में कोई मैसेज वगैरह प्रिंट नहीं करा सकते, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एच डॉट इनर HTML। उसके बाद इक्वल टू लिख के नीचे यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी एम्प डॉट, अब यहाँ पर मैं इसको इंडेक्सिंग कर रही हूँ, जहां पर 0 लिखूंगी जो फर्स्ट इंप्लाई होगा उसका डाटा जाएगा 0 इंडेक्स में, और जहां पर लिखो जो भी हमारा एट्रीब्यूट नाम था मैंने नेम के साथ यहाँ पर किया है, ये वाला नेम के साथ मैंने सॉर्टिंग की है, तो मैंने ये वाला नेम वहां पर लिख देना है, अगर वहां कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल एन लिखेंगे। उसके बाद स्पेस जरूर डालनी है, स्पेस डाल के प्लस का साइन, उसके बाद डबल कोट्स, ये देखो ये सेम ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमारी आउटपुट हमने कैसे शो करानी है वो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये चीज तो नॉर्मल है, इसको हम आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। अब इसके साथ ही हमें एक नाम भी चाहिए, अब यहाँ पर देखो ऊपर चलते हैं, मुझे राहुल भी यहाँ पे शो हो, उसके बाद इसकी आईडी भी शो हो, उसके बाद एड्रेस भी शो हो, अगर आप चाहते हैं कि राहुल की सिर्फ और सिर्फ आईडी शो हो वो कैसे करना है, अगर आपको तीनों ही यहाँ से एट्रीब्यूट शो कराने हैं वो कैसे करना है, तो हमने जहाँ पे देखो नाम के बाद यहाँ से स्पेस जरूर देनी है, प्लस का साइन है उसके बाद स्पेस जरूर देनी है, डबल कोट्स के बीच स्पेस जरूर देनी है, उसके बाद फिर से स्पेस, फिर से प्लस का साइन, उसके बाद एम्प डॉट, छोटी छोटी स्पेस आपके कोडिंग में एरर क्रिएट कर सकती हैं, जहां पर लिखो 0, ये जो है एम्प नाम प्रिंट कराने के लिए, अब जहां पर हम लिखेंगे आईडी लिख देते हैं, ये एम्प है हमारा आईडी प्रिंट कराने के लिए, स्पेस प्लस फिर से स्पेस डबल कोट्स में स्पेस, और जहां पर डबल कोट्स में हम लगा देंगे बी आर टैग, बी आर मतलब ब्रेक टैग प्लस, और ये हो गया हमारा जहाँ से कोड रेडी, अब जहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक और जहाँ से 3 बार कर देते हैं, आपने बस यहाँ पर चेंज करना है, ये वाली वैल्यू जाएगी 1 इंडेक्स में, ये जाएगी 2 इंडेक्स में, यहाँ पर आपने इंडेक्सिंग जरूर करनी है ताकि मेमोरी में जाके वहां पर ही वैल्यू स्टोर हो जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश, अब हम क्या करेंगे जहां पे एक इसको हम ये वाला जो हमने लास्ट में लगाया था ये हटा देंगे, ये देखो क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं है, ये सब कुछ हटा देंगे ये वाला, और आपने आईडी तक रखना है और सेमी कॉलन लिख देनी है,
नहीं तो एरर आएगा पक्का। और यहाँ पर हम एक ये मैंने क्या लिखा था, डिस्प्ले वाला कंस्ट्रक्टर, ये दो जगह होने चाहिए, एक यहाँ दूसरा यहाँ। क्यों? क्योंकि हमें जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये भी प्रिंट करानी है, ये वाली, तो जो सॉर्टिंग सॉर्ट होके आएगी वो भी प्रिंट करानी है, मतलब जहां से जे वाली। और जे वाला एम्प है एक, ये एक्स्ट्रा आ गया, तभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिफ्रेश करो। और यहां से एक, अब देखो जब भी हम किसी भी लिस्ट को फाइंड करते हैं तो हमारे पास बटन लगे होते हैं कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास आउटपुट आ गई। मैं जहाँ पे एक बटन लगा रही हूँ कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक लिस्ट शो होके आ जाए। बटन को हम एक फंक्शन दे रहे हैं जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, फंक्शन यहाँ से हमने क्रिएट किया था एम्प टू, ये वाला ये फंक्शन हम यहाँ से बटन को दे रहे हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो ये वाली कोडिंग या फिर ये वाला कोड हमें आउटपुट में शो हो। रिफ्रेश करो। यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी हमारी एम्प्लॉय की। यहाँ पर हमने अब इसका मेन काम स्टार्ट होता है, जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया था, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। जहां पर देखो आउटपुट शो करानी है हमने, यहाँ पर आओ, फंक्शन जो भी हमने डिस्प्ले लिखा था डिस्प्ले लिखो, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट और यहाँ पर कर दो एंड। बस कोड हमारा खत्म हो गया। ये वाला फंक्शन हमने कर दिया कॉल, इसको कॉलिंग बोलते हैं क्योंकि हमने लगाया था, इसका मतलब भी होगा कोई। रिफ्रेश करो पहले, और जहां से आउटपुट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से एरर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इधर आएगा हमारा कैपिटल सी लोअर केस में, और यहाँ पर ये जो मैंने लिख दिया एम्प डॉट, यहाँ पर डॉट नहीं आना साथ में, डॉट आना है एम्प यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट के बाद। यहाँ पर हमारे पास गलती हो गई, और इसको करेंगे हम यहाँ से देखो स्पेस, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, जहाँ पर स्पेस जरूर होनी चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, ये आ गई हमारी आउटपुट। अब मैं क्लिक कर रही हूँ प्रिया या पी आर बी, ये हो गया सॉर्ट। अब देखो यहाँ पर नाम ही सॉर्ट हुआ है, यहाँ पर आईडी सॉर्ट नहीं हुई। आप अगर आईडी को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने बस यहाँ पर आईडी लिख देना है इधर। यहाँ पर देखो हमने दो एट्रीब्यूट लिए थे, आपने यहाँ पे आईडी लिख देना है। जो भी आप यहाँ से कोई भी फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं उसी चीज के साथ आपने अपनी पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो वो वहां पे मेंशन कर देंगे। आप सेम ऐसे ही यहाँ पर एड्रेस भी शो करा सकते हैं, बस आपने ये वाली सेम लाइन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, राहुल को एच लिखो, यहाँ पर एक्स लिख दो, यहाँ पर जी लिख दो, इसको करो रिफ्रेश। ये देखो एच एक्स जी, तो हम मैं यहाँ से क्लिक करके इसको सॉर्ट कर रही हूँ, सॉर्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर जी एच एक्स, ये हो गई सॉर्ट हमारी लिस्ट। तो यहाँ पर जितने मर्जी आप यहाँ पर ऐड करते जाओ वो खुद ही सॉर्ट होते जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये तीन ही सॉर्ट हुए हैं। मैं जहाँ से एक और ऐड करके दिखा देती हूँ, यहाँ से भी मैं जहाँ से लिख रही हूँ कौन सा लिखे, डब्ल्यू से लिख देते हैं, बाकी सेम रहने देते हैं। अब डब्ल्यू वाला कहाँ जाएगा, रिफ्रेश करो। यहाँ से इसको हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा, इसको यहाँ से इधर डालो प्लस, उसके बाद डबल कोर्स, इसमें लिखो बी आर ऐसे, और यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा एम्प, यहाँ पे आएगा तीन, उसके बाद डॉट नेम, फिर से प्लस। ये छोटे छोटे जो मैंने स्पेस डाली है ना, आप प्लीज याद से डाल लेना, नहीं तो एरर आएगा पक्का।
यहाँ पर लिखो एम्प, यहाँ पे लिखो थ्री, उसके बाद यहाँ पे डॉट आईडी, बस इसको करो रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो मैंने एंट्री की थी वो यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको सॉर्ट करने जा रही हूँ, क्लिक। यहाँ पर देखो एक्स डब्ल्यू पहले आ गया, एक्स बाद में चला गया, जी पहले, जी एच डब्ल्यू एक्स, पूरी सॉर्टिंग मतलब हमारी हो चुकी है। बस ये है हमारा आज का टॉपिक, जो आपके मेन काम आने वाला है वो यही है, आपने ऐसी लिस्ट कैसे सॉर्ट करनी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।